हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाइनस, जो हम लोगों का लास्ट क्लास से चल रहा था। हमने इसका जनरल अकाउंट पढ़ लिया था। इसकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो थी उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे कि जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है डिवाइड इन थ्री पार्ट्स, कौन कौन से थे? रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, तो हम लोग ने रूट का स्टार्ट कर दिया था। प्राइमरी रूट मींस जो पहली बार जो रूट बनती है, और यंग रूट जो है उसकी स्टडी पढ़नी थी। उसके बाद हमने देखा था कि यंग रूट जो है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ जो रूट में हमने देखी, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसमें मैच्योर रूट। मीन्स जब सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है रूट में, उसके बाद रूट में क्या क्या चीजें दिखती है। देखो, नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, हर्ब में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। शर्ब में वो बहुत ही लिमिटेड टाइम तक सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी। लेकिन जो ट्रीज होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं, उन पेड़ में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ होगी, क्योंकि तना जितना मोटा होता जाता है, जड़ भी उतनी ही मोटी होती जाए। ठीक है, तो उनमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब मैच्योर रूट की जहां हम बात करते हैं, इसमें अगर मैं इसका सेक्शन का डायग्राम अगर शो करूं, तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो हमारी एपिडर्मिस हो, इसको हम एपिडर्मिस कह रहे थे, अब ये क्या हो गया? बाल मींस छान नुमा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी। इसको हम एपिडर्मिस ना बोलकर इसको अब हम बोलेंगे पेरिडर्म, अधिचर्म। इसको क्या बोला जाएगा? पेरिडर्म या अधिचर्म। उसके बाद ये भी हमारी पेरिडर्म बनी। उसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन होगा। ठीक है, हम लोगों ने जो रूट का प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर बनाया था, तो वहां पर डायज कंडीशन लिखी थी, मींस दो फ्लोएम दो जाइलम। यहां पर भी आपकी डायज कंडीशन होगी, और उसमें इस तरह से होगा, ये आपका होगा प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, फिर उसके बाद ये होगा हमारा सेकेंडरी फ्लोएम। और आपको बताया कि रूट जो होती है, मैंने सेकेंडरी ग्रोथ आपको बताई थी कि रूट में भी कैम्बियम होती नहीं है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज की प्रेजेंस की वजह से कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इसमें वैस्कुलर कैम्बियम बनी। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम बनने के बाद ये हमारा जो है, ये है हमारा सेकेंडरी जाइलम। ओके, अब इसमें बीच बीच में रेज होंगे, जिनको हम मेडुलरी रेज बोलेंगे। इसी तरह से इस साइड भी आपकी यही कंडीशन होगी। ये हमारा जाइलम टिश्यूज होंगे। ठीक है, ये फ्लोएम टिश्यू होगा, कौन सा? सेकेंडरी। और ये प्राइमरी, ये प्राइमरी फ्लोएम, ये सेकेंडरी फ्लोएम, और ये आपका सेकेंडरी। ठीक है, और जो आपका प्राइमरी जाइलम है वो इस तरह से, यहां ये रेजिन के नाम होगी, और ये हमारा प्राइमरी जाइलम है, ये रेजिन के नाम। तो इस तरह से जब सेकेंडरी ग्रोथ रूट कर लेती है, तो उसका जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा। अगर आप लोग इसमें सेलुलर डायग्राम बनाएंगे, तो सेलुलर डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर आप ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको आप पेरिडर्म बोलेंगे, जिसमें रूट हेयर कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ स्क्लेरम काइमेटस कॉर्टेक्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल डेड हो जाएंगे, स्क्लेरम काइमेटस सेल्स हो जाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद प्राइमरी काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो हट जाती है, इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी। फिर उसके बाद में आपको इनमें जो हमारा ये होगा स्क्लेरल काइमेटस कॉर्टेक्स,
बीच बीच में रेजिन टैनिन के नाम्स होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर बना सकती हैं सिंपल सा एक प्राइमरी फ्लोएम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर आप बनाएंगे इसमें कैम्बियम, कैम्बियम के बाद सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम के बीच बीच में इस तरह से ये जो होंगी ये होंगी मेडुलरी लीव्स, और यहाँ नीचे आपका होगा ये होगा प्राइमरी फ्लोएम, सॉरी प्राइमरी जाइलम। तो इस तरह से आप जो है इसका लाइन डायग्राम से सेलुलर डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ये सेलुलर डायग्राम आपको खुद से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रही हूँ। सबसे पहले आप जो बाहर वाले लेयर है इसको एपिडर्मिस ना बोलेंगे, एपिडर्मिस की जगह क्या बोलेंगे पेरिडर्म, ठीक है। पेरिडर्म के बाद में आप कॉर्टेक्स रीजन जो बनाएंगे वो बनाएंगे आप स्क्लेरेनकाइमेटस। स्क्लेरेनकाइमेटस पता है ना कि जो एक पेरेनकाइमेटस सेल्स बनाएंगे उसमें एक और सेल बना लेंगे, तो ये कैसे बन जाएगी स्क्लेरेनकाइमेटस। बीच बीच में आप बनाएंगे टैनिन और रेजिन के नाम्स, ठीक है। टैनिन सेक्रेशन करने वाली रेजिन सेक्रेशन करने वाली सेल्स बनाएंगे। उसके बाद आप बनाएंगे प्राइमरी फ्लोएम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर कैम्बियम रिंग, उसके बाद आप बनाएंगे सेकेंडरी जाइलम, और लास्ट में बनाएंगे आप प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अगर ये सेकेंडरी ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहती है, सेकेंडरी ग्रोथ अगर चलती रहेंगी तो यहां पर बीच में रिंग्स बनती जाएंगी, एनुअल रिंग्स बोलते हैं जिनको, ठीक है। स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, बसंत दारू, शरद दारू जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो ये इसमें इस तरह से रिंग्स, अगर वुड का सेक्शन कटे बीच में आपका प्राइमरी जाइलम रहेगा, उसके बाद ये रिंग्स बनते रहेंगे इस तरह से। आप लोगों ने कभी किसी तने को कटा हुआ देखा हो तो उसमें आप लोग देखते हो कहीं गहरी लकड़ी का एक सर्कल होता है, रिंग होती है, कहीं हल्का होता है, तो उनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने पाइनस का जो रूट है उसका स्ट्रक्चर देखा, इसकी मॉर्फोलॉजी देखी कि कैसे कैसे ये दिखती है इसमें, और इसका हमने एनाटॉमी देखा, और रूट का लेकर एक्टर्स आपने ये भी देखा कि ये फंगस के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएट रहती है, ठीक है। तो ये हमारा, ये आपका मैच्योर रूट का स्ट्रक्चर हो गया। लास्ट लेक्चर में हमने इसका यंग रूट का स्ट्रक्चर देखा था। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है इसके अंदर, हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट में नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है स्टेम। तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टेम का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब बात आती है इसके स्टेम की, जो हमारा साइकस था उसका जो स्टेम था वो सिंगल एक ही टाइप का होता है, लेकिन पाइनस में आपको स्टेम जो है स्टेम कैसा मिलेगा डायमॉर्फिक, मींस दो तरह का, एक जिसमें लिमिटेड ग्रोथ होगी जिसको हम कहेंगे डार्फ। भाई किसी चीज की अगर लिमिटेड ग्रोथ हो जाएगी तो वो आगे बढ़ेगा नहीं, तो वो क्या रह जाएगा छोटा रह जाएगा। और एक होता है अनलिमिटेड ग्रोथ स्टेम जिसको हम कहते हैं लॉन्ग शूट। तो इस तरह से दो तरह के इसमें क्या होते हैं तने होते हैं, एक तो बौना तना और एक होता है लंबा तना, ठीक है। तो ये इसके इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग पाइनस के स्टेम की, तो पाइनस के स्टेम में आपको मैंने बताया दो तरह के होंगे, कौन कौन से लॉन्ग शूट जिसमें ब्रांचेस क्या होंगी अनलिमिटेड ग्रोथ की, और डार्फ शूट जिसमें ब्रांचेस होंगी लिमिटेड ग्रोथ की, ठीक है। और दोनों ही, ये जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाला होगा ये आपका ट्रंक जो तना होगा ना, ये जो बीच का तना होता है, जो बीच में जो ट्रंक होती है ना सूंड के जैसे, वो आपका अनलिमिटेड ग्रोथ वाला होगा, और जब इसकी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं वो आपकी लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होंगी। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं, तो ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की, जो आपका स्टेम है उसकी प्राइमरी स्टेम की अगर मैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो कैसे है देखें। पाइनस का जो स्टेम है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो स्टेम जो है उसका लाइन डायग्राम अगर दो ड्रॉ करूं तो क्लियरली उसमें क्या होगी एपिडर्मिस होगी, ठीक है। और यहां पर आपको एपिडर्मिस के साथ साथ एपिडर्मिस पर जो है क्यूटिकल भी प्रेजेंट हो सकती है,
और नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद इसमें ये वाला रीजन है, ये कॉर्टेक्स रीजन होगा। ठीक, कॉर्टेक्स रीजन में आपको इस तरह से बीच बीच में रेजिंग के नाल्स प्रेजेंट है, पाइनस में रेजिंग जो है, पाइनस में रेजिंग की अमाउंट काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और इसी रेजिंग की वजह से जो अंबर फॉशल, फॉशल का नाम जानते हो, जीवाश्म मतलब ऐसे जीव जो इस वक्त पृथ्वी पर नहीं है और केवल उनके अवशेष पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं जीवाश्म, जीवों के अंश। वहां पर एक मेथड, अलग अलग जीवाश्म पढ़ेंगे, वहां पर एक मेथड एक पढ़ेंगे आप अंबर फॉशल। अंबर फॉशल क्या होता है, अंबर एक तरह की रेजिन होती है जो क्या करता है, किसी भी फॉशल पर गिर जाता है और गिरने के बाद उसको प्रिजर्व कर लेता है। तो ये उस वक्त भाई फॉशल्स हमें मोस्टली क्या कर मिलते हैं, जो हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड है, जुरासिक पीरियड है, जो अब नहीं है। अब हमें क्या करना है, उनकी स्टडी करनी है कि वो कैसे थे उस वक्त, जीव कैसे थे, जंतु कैसे थे, उनके बारे में हमें अगर पढ़ना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस टाइम के कुछ ना कुछ अवशेष जो होंगे उनके थ्रू मिलेंगे। तो उस वक्त पृथ्वी पर मेन वेजिटेशन जो थी वो क्या थी, हमारे जिम्नोस्पर्म थे। ठीक है, तो उस वक्त की जो भी चीजें बनेंगी उनमें सारे के सारे स्ट्रक्चर किसकी होगी, जिम्नोस्पर्म की। भाई अगर आज का, आज से कई साल बाद कोई इस टाइम की स्टडी करे तो उनको जो पुरातन विज्ञान है, जो फॉश, जो हमारा पैलियोबॉटनी है या हम फॉशल जो पुरातन विज्ञान है उसके थ्रू जब स्टडी की जाए, तो आज के घरों का अगर अवशेष मिले, ठीक है, वहां रंगोली वगैरह देखे तो क्या होगा, अब हम लोग क्या साइकस कौन बनाते हैं या माइनस कौन बनाते हैं, नहीं बनाते ना हम, या तो रोज फ्लावर बनाएंगे या लिली फ्लावर बनाएंगे या लोटस फ्लावर बनाएंगे, उसी की रंगोली होगी। तो उनको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इस टाइम किस तरह की वेजिटेशन अर्थ पर होगी। ठीक है, तो जो अंबर है, रेजीन जो है, टाइप का अंबर क्या है, रेजीन जो क्या कर रहा था, फॉशल्स को रख रहा था। तो ये जो माइनस ग्रुप है, कॉनिफर्स जो होते हैं, इनसे काफी ज्यादा अमाउंट में रेजीन, टैनिन ये चीजें सिक्रेट होती है, इनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें आपको रेजीन मिलेगा। अब अगर हम लोग बात करें इसमें जो है, ये इसमें एंडोडर्मिस, ये आपकी एंडोडर्मिस हो गई और सिंगल लेयर पेरिसाइकिल सेल्स होती हैं, एक से दो अगर आप बात करें तो इस तरह से ये हो गई पेरिसाइकिल। अब स्टेम की जहां बात करते हैं, तो स्टेम में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कॉन जॉइंट। ठीक है, तो ये कॉन जॉइंट हो गए, ये आपके कॉन जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स मैंने बनाए। कॉन जॉइंट भी जाइलम और फ्लोएम दोनों आपस में जुड़े इस तरह से, ये हमारा जाइलम। जाइलम में भी ये वाला पोर्शन आपका प्रोटो जाइलम और दिस वन इज मेटा। रूट में उल्टा होता है, रूट में पेरिफेरल रीजन में जो है आपका होता है प्रोटोजाइलम और अंदर की तरफ मेटा जाइलम, यहां जस्ट अपोजिट है। फिर ये कोलेट्रल कंजॉइंट है, कोलेट्रल है, कोलेट्रल मींस फ्लोएम पेरिफेरल रीजन की तरफ, ये आपका फ्लोएम और इसके बीच में ये हमारी बनी कैम्बियम। कैम्बियम इसलिए वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल होंगे। तो ये इसका स्टेम का लाइन डायग्राम, अगर आप लोग सेलुलर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इसका सेलुलर डायग्राम भी बहुत ही इजी होगा, सिंपल सा आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले आपने एपिडर्मिस बनाए, ठीक है, फिर एपिडर्मिस बनाने के बाद आप कॉर्टेक्स रीजन बनाएंगे, पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स होगा इस तरह से, और इस पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स में बीच बीच में आपको रेजिन के नाल्स बनानी है।
इस तरह से, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पर एक सिंगल लेयर एंडोडर्मिस बनाएंगे, फिर आप लोग यहाँ पर इस तरह से पेरिसाइकल बने। देखो ये है आपकी एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स रीजन, रेजिन कैनाल, ये आपकी एंडोडर्मिस, ये पैरासाइकल। अब हम लोग बनाएंगे इसमें वैस्कुलर बंडल्स। तो पहले हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ये एक वैस्कुलर बंडल, ये सेकंड वैस्कुलर बंडल, ये थर्ड वैस्कुलर बंडल। ये हमारा जो टिश्यूज मैं बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ फ्लोएम टिश्यू। ये आपका क्या हो गया, फ्लोएम, ठीक है। फिर इसमें इस तरह से ये हमारी हो गई कैम्बियम सेल्स, ठीक है। ये आपका हो गया फ्लोएम, ये हो गया कैम्बियम, ठीक। और इसके बाद ये जो टिश्यूज हैं, ये हो गया आपका मैटर, जाइलम, ये हो गया प्रोटो, नीचे ये वाला जो रिजल्ट है ये आपका हो जाएगा पेट्रीज, इसको हम बोलेंगे पेट। ये क्या है आपका पेट। यहां बीच बीच में लंबी लंबी इस तरह से इलॉन्गेटेड सेल्स होंगी, इनको हम बोलते हैं मैडुलरी रिंग्स। ये है मैडुलरी रिंग्स, और जो बीच में बच गया है ये वाला, ये सारा होता है कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह बीच में जो बच जाता है ये है संयोजी। तो ये एक साइकस सॉरी पाइनस के यंग स्टेम का आपको टीएस दिख रहा है, जिसमें आप देख रहे हो किस तरह से एक एक पार्ट आपको क्लियर दिख रहा है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पैरासाइकल, सब चीजें आपको एकदम क्लियर दिख रही है। सिंपल से अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे तो स्टार्टिंग से आप देखेंगे एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और ये आपकी सिंपल पैरेंट काइमेटस सेल से बनी होती है, ठीक है। फिर है कॉर्टेक्स, जो आउटर टाइप से, जो कॉर्टेक्स है इसकी जो आउटर सेल्स होंगी ये आपकी स्क्लेरेन्काइमा की बनी होगी, एक दो, ठीक है, एक दो लेयर स्क्लेरेन्काइमा की बनी होगी, बाकी सारी की सारी ये पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है, ठीक है। जिसमें हमने देखा रेजिन कैनाल्स वगैरह प्रेजेंट होती है। फिर जो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोडर्मिस है और पैरासाइकल है, जो 1 to 2 लेयर की बनी होती है। वैस्कुलर बंडल की अगर बात करें तो वैस्कुलर सिलेंडर जो है वो 5 to 9 वैस्कुलर बंडल से बना होता है। हम लोगों ने 5 बनाए हैं, 9 तक वैस्कुलर बंडल आपको इसमें शो हो गया, आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं बिल्कुल। और मैंने भी बताया आपको वैस्कुलर बंडल, आप लोग डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हैं। द वैस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन एंड डार्क। एंड डार्क कंडीशन हुई अभी बताई थी मैंने, प्रोटोजाइलम इनर साइड में, मेटाजाइलम बाहर साइड में होगा, दैट इज मींस एंडार्च, ओके। और अगर जस्ट अपोजिट होता है वो रूट में होता है एक्सार्च। रूट में क्या होगा, मेटाजाइलम अंदर, प्रोटोजाइलम बाहर, तो वहां एक्सार्च कंडीशन होती है, यहां पर आपको एंडार्च कंडीशन मिलेगी। एंडार्च मिलेगी वहां एक्सार्च मिलेगी। कोलैटरल है क्योंकि फ्लोएम बाहर की तरफ है। कॉन्जॉइंट है क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ओके। नेक्स्ट ओपन टाइप है क्योंकि कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये आपको दिख रहे हैं वैस्कुलर बंडल्स, और बीच बीच में मेडुलरी रेज भी आपको दिख रही हैं, ठीक है। इसके अलावा पिथ जो है, पिथ आपको क्लियरली इसमें पिथ रीजन जो है वो आपको शो हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये वाला जो रीजन है हमारा ये है पिथ। तो अगर आपको इसका, क्योंकि देखो इस पेपर में, इस यूनिट में जो साइकस फाइनस एफिड्रा वाली यूनिट है, इस यूनिट में आपको ओनली डायग्राम का क्वेश्चन भी पूछा गया कि आप निम्न के केवल चित्र बनाए। जहां आपको केवल चित्र बनाने के लिए बोला जाता है वहां आप उसका लाइन डायग्राम भी बनाएंगे और सेलुलर डायग्राम भी बनाएंगे। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूं कि अगर आपके पास टाइम नहीं,
मान लो आपके पास 5 मिनट बची है एग्जाम खत्म होने में, तो अब आप क्या बनाए, ये वाला डायग्राम बनाए या ये वाला डायग्राम बनाए। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, ये वाला बनाओ तो बनाओ, अगर आपके पास टाइम है तो दोनों बनाओ, क्यों, क्योंकि मार्क्स अच्छे मिलते हैं दोनों बनाने पे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे, ओनली और ओनली ये वाला डायग्राम बना देना, ये बनाना जरूरी नहीं है। देखो इस फाइनल्स में हम लोगों के अभी तक 3 डायग्राम हो चुके हैं जो एग्जाम के पर्पस में हमें पूछे जा सकते हैं। सरल डायग्राम, एक हमने रूट का, प्राइमरी रूट का डायग्राम देखा, देखा कि नहीं देखा, प्राइमरी रूट जो थी, यंग रूट जो होती है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखी, फिर हमने उसके मैच्योर रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, अब हम लोग देख रहे हैं इसके स्टेम का, यंग स्टेम का, ये किसका है आपका, यंग स्टेम टीएस, ये आपका यंग स्टेम का टीएस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओल्ड स्टेम का टीएस देखेंगे। ओल्ड स्टेम की टीएस से पहले हम लोग एक बार फिर से सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम वो पढ़ेंगे जो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।